वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में अंतरा इंजेक्शन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये वही इंजेक्शन है जो कि आप लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर आशा वर्कर के कहने पर एक प्रॉपर काउंसलिंग के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाते हैं, राइट। अब देखिए, ये इंजेक्शन लगता तो फ्री में है, लेकिन इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले ज़्यादातर महिलाओं को डर भी लगता है कि भाई इस इंजेक्शन को लगवाने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। खास तौर पर ऐसा जो कपल सोचते हैं वो न्यू मैरिड कपल्स हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर में प्रेगनेंसी चाहिए, तो उनको ये डर भी सताता है कि उनको फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी अगर वो इस इंजेक्शन को लगवाते हैं। और इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद ये भी देखा गया है कि कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें ये इंजेक्शन सूट नहीं करता, उनको इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर इस इंजेक्शन को लगने के बाद कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, और कुछ कंडीशन ऐसी होती है अगर आप लोग उन कंडीशंस पर ध्यान नहीं देते हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतरा इंजेक्शन है ये एक स्ट्रॉन्ग हार्मोनल इंजेक्शन होता है जो आप लोगों को प्रेगनेंसी से लगभग 84 डेज तक प्रेगनेंसी से बचाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी से बचाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको और भी काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि ये प्रेगनेंसी से कैसे बचाता है। तो देखिए, जब कोई महिला इस इंजेक्शन को लगवाती है तो उनकी बॉडी में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करके एक फीमेल हार्मोन होता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है एकदम से, ठीक है। क्योंकि अभी बताया कि ये एक स्ट्रॉन्ग हार्मोनल इंजेक्शन है, तो जब ये हार्मोन एकदम से इंक्रीज होता है तो बॉडी शॉक हो जाती है। जो ब्रेन होता है, जो सुप्रीम कमांड है जिसके कारण आपका पूरा बॉडी काम करता है, उसको ये लगता है कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और ब्रेन क्या करता है, जो ओवल्यूशन प्रोसेस होती है, जो हर मंथ ओवल्यूशन होता है, जो अंडा फूटता है महिला की बॉडी में, उसको वो होने से रोक देता है, ठीक है। तो अगर किसी महिला को ओवल्यूशन नहीं होगा, अंडा नहीं फूटेगा, तो वो स्पर्म से नहीं मिल पाएगा, और अगर अंडा और स्पर्म मिल नहीं रहे हैं एक दूसरे से तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस प्रकार ये जो इंजेक्शन है ये ओवल्यूशन को रोक देता है और आप लोगों को प्रेगनेंसी से बचाता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस इंजेक्शन को कब और कैसे लगाया जाता है। तो देखिए, इस इंजेक्शन को लगवाने की कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है, अगर किसी महिला का रेगुलर पीरियड साइकिल है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इस इंजेक्शन को आप लोग 7 दिनों के अंदर अंदर लगवा लो, जब आप लोगों को पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू होती है। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि आगे अगर आप लोग उसी दिन से ही चाहे फिजिकल रिलेशन रखो तो आप लोगों को प्रेगनेंसी नहीं लगती है। फिर चाहे स्पर्म अंदर भी चला जाए तो महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर वो 7 दिनों के बाद अगर कोई महिला इस इंजेक्शन को लगवाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले तो महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म करनी पड़ती है। फिर महिलाओं को ये भी एडवाइस देते हैं कि भाई या तो आप अगले 7 दिनों तक फिजिकल रिलेशन अवॉइड करो, क्योंकि आप लोगों को प्रेगनेंसी लगने के चांसेस हो सकते हैं इस इंजेक्शन को लेने के बाद भी, या फिर आप लोग कोई बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करो जैसे कि कोंडम वगैरह, ठीक है, वरना आप लोगों को प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरी कंडीशन होती है आफ्टर डिलीवरी। तो हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर डिलीवरी आप ये इंजेक्शन 6 वीक्स के बाद, 42 दिनों के बाद लगवा सकते हो। तीसरी कंडीशन होती है मिसकैरेज के बाद। तो एक बार कन्फर्म हो जाए कि महिला की जो बच्चेदानी है या प्रेगनेंसी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे बच्चेदानी से निकल गए हैं, बच्चेदानी पूरी खाली हो गई है, तो आप लोग इस इंजेक्शन को मिसकैरेज के 7 दिनों के अंदर अंदर लगवा सकते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ कंडीशन होती है जब कोई महिला रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर हो, या फिर कॉपर टी, या फिर महिला ने एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को मंथली साइकिल की जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसको आने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इमीडिएटली इस इंजेक्शन को लगवा सकती हैं। तो ये तो कुछ कंडीशंस हुई जहां पर आप लोग इस इंजेक्शन को लगवा सकते हो। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंजेक्शन कैसे लगता है। इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, मतलब मांसपेशियों के अंदर लगाते हैं, और लगाने की 3 जगह होती है। पहली है डेल्टॉइड मसल, अपर आर्म में, बाजू में,
दूसरा है बटक्स पर, कूलों पर, और तीसरा है मिडिंदा थाई। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो देखिए, इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स होती है, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट पेन होना, कमर में दर्द, पेट में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, वाई डिस्चार्ज होना, मूड स्विंग होना, सिर में दर्द होना, कई महिलाओं को खाने का दिल नहीं करता है, कई महिलाओं को चक्कर आते हैं, ठीक है। तो ये इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ महिलाओं का जो पीरियड साइकिल की जो ब्लीडिंग है वो इरेगुलर हो जाती है 1 से 2 मंथ तक। कई महिलाओं को लाइट ब्लीडिंग होती है, कईयों को स्पॉटिंग होती है, कईयों को हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ये सब जो परेशानियाँ ये सेम टू सेम ऐसी ही हैं जैसे किसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पर होती हैं। पहले जो 3 मंथ हैं उनमें महिलाओं को ये सब परेशानियाँ होती हैं, सेम इसी इंजेक्शन को लगाने के बाद भी होती हैं। तो इन सभी परेशानियों को ठीक करने के लिए या फिर कुछ हद तक कम करने के लिए हम लोग आप लोगों को 1 से 2 मंथ तक कुछ दवाइयाँ देती हैं। फिर 1 से 2 मंथ में क्या होता है, लोगों की जो बॉडी है, महिला की जो बॉडी होती है वो इस इंजेक्शन को समझ लेती है, एडजस्ट हो जाती है। तो आप लोगों को जो ये परेशानियाँ हो रही हैं वो अपने आप सेटल हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं डर जाती हैं कि भाई उनकी बच्चेदानी ख़राब हो गई है या फिर उनकी बच्चेदानी में गंदा खून इकट्ठा हो गया है, तभी उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीरियड्स ना आना ये इस बात को दर्शाता है कि ये जो इंजेक्शन है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होती है। अगला जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये होता है कि इस इंजेक्शन को लगाने से महिलाओं का वेट गेन होता है। स्टडीज़ में भी देखा गया है, क्योंकि ये जो हार्मोनल इंजेक्शन है इससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ हुआ है। अब किसी महिला की बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो उससे उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे उनका बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है। अब इसमें भी लोगों ने हवा बना दिया कि भाई उनका बॉडी वेट इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए, 1 साल में 1 से 2 किलो वज़न इंक्रीज़ हो सकता है, और मेरी नज़र में आप लोग इतना वज़न एक्सरसाइज और योगा करके मैनेज कर सकते हो। फिर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इस इंजेक्शन को लगवाने से जो है हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब देखिए, अगर आप लोग इस इंजेक्शन को लगातार 5 साल तक लगवाते हैं तो आप लोगों की जो बोन मटेरियल डेंसिटी है वो कम हो जाती है, लगभग 5 से 7%। लेकिन ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है, वापस से ये ठीक भी हो जाता है, नॉर्मल रेंज में भी आ जाता है। बट अगर आप लोग इस इंजेक्शन को लगवाते रहते हो तो हम लोग आप लोगों को कुछ बूस्टर भी देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जैसे कि आयरन की गोलियां होगी, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम D3 हो गई। तो उससे क्या होता है, इस पर ज़्यादा कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं। कई महिलाएँ बोलती हैं कि सर हमारी तो हड्डियाँ टूट जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है, जैसे इंजेक्शन लगवाना बंद करोगे तो हड्डियाँ जो हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। फिर अगला कंसर्न रहता है या महिलाओं को डर लगा रहता है कि भाई इस इंजेक्शन को लगवाने से उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो देखिए, इस इंजेक्शन को लगवाने से इनफर्टिलिटी नहीं होती है। पहली बात, महिलाओं को डर इसलिए लगता है ज़्यादा क्योंकि उनको पीरियड्स नहीं आते हैं। महिलाओं को ये लगता है कि उनकी बॉडी में गंदा खून इकट्ठा हो रहा है, उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। अगर उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो फिर प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप लोग इस इंजेक्शन को लगवाना बंद कर देते हैं तो जो फर्टिलिटी है, जो ओवल्यूशन होने की क्रिया है, वो लगभग 6 से 10 महीनों में वापस आ जाती है। स्टडीज़ में भी ये देखा गया है कि महिलाओं को जो प्रेगनेंसी है वो 1 साल के अंदर अंदर दोबारा से कंसीव हो जाती है, 80% महिलाओं को। बट अगर आप लोगों को 1 साल के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो आप किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो आप लोगों को कुछ दवाइयाँ देंगे, उनसे आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। फिर महिलाओं को ये भी डर सताता है कि भाई उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं इस इंजेक्शन को लगाने से, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो देखिए, जब तक आप लोग इस इंजेक्शन को लगवाते रहोगे तब तक आप लोगों को पीरियड्स नहीं आएंगे। इसी तरह तो ये इंजेक्शन अपना काम कर रहा है। तो अगर आप लोगों को पीरियड्स चाहिए तो इस इंजेक्शन को लगवाना बंद कर दें। जैसे ही इस इंजेक्शन की आप लोग लास्ट डोज लोगे तो लगभग 3 महीने के बाद आप लोगों को पीरियड्स आ जाते हैं। बट अगर किसी महिलाओं को 6 मंथ तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो फिर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिल लीजिए। कुछ दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों को अगर आप लोग लोगे तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे, पीरियड्स रेगुलेट भी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें भी होती हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर किसी महिला को इस इंजेक्शन को लेने के बाद जो स्पॉटिंग है या लाइट ब्लीडिंग है वो लगातार हो रही है 8 दिनों तक,
अगर आप लोगों को जो ब्लीडिंग है वो 8 दिनों से ज़्यादा हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आप लोगों को डॉक्टर से मिलना है। अगली जो चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा वो स्पेशली ये है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो, ये समझ रहे हो कि इस इंजेक्शन को लेने के बाद जैसे ही आप इस इंजेक्शन की लास्ट डोज लोगे, इस इंजेक्शन को लगाना बंद करोगे तो आपको अगले ही मंथ में कंसीव हो जाएगा, प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोबारा से कंसीव होने में, दोबारा से प्रेगनेंसी लगने में कम से कम 1 साल का टाइम आप लोग समझ लीजिए, सोच के चलें कि इतना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है और हर बात की जल्दबाजी रहती है कंसीव करने की, पीरियड्स की, तो आप इस इंजेक्शन को मत लें। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में पूछे जाने वाले कुछ जरूरी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रहता है कि क्या अगर किसी महिला का लो हीमोग्लोबिन लेवल है, खून की कमी है, तो क्या वो इस इंजेक्शन को ले सकती हैं, लगवा सकती हैं? तो बेशक वो महिला इस इंजेक्शन को लगवा सकती हैं, क्योंकि इस इंजेक्शन से क्या होगा, उनको पीरियड्स आना बंद हो जाएगा। तो अगर किसी महिलाओं को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो इस इंजेक्शन के बाद उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो ज़रूरी सवाल है कि इस इंजेक्शन को कितने दिनों तक यूज़ किया जा सकता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। देखिए, इस इंजेक्शन को 18 साल से लेके 45 साल तक आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप लोगों को कितने टाइम तक ये इंजेक्शन यूज़ करना है। बट मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को ये इंजेक्शन कम से कम 5 से 6 बार लगवाना चाहिए। इसको बीच में बंद करने से इस इंजेक्शन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या बॉडी को रिकवर करने में टाइम लग जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।